नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। मनीष सिसोदिया के साथ जेल में क्या हो रहा है और किस तरीके से उन्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है, ये कोई और नहीं मनीष सिसोदिया ने खुद ही गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इन सबके बीच में सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सीबीआई या फिर ईडी आखिर मनीष सिसोदिया को जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कल 9 विपक्षी दलों के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिख दिया। ये मामला मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आम आदमी पार्टी खुद इस बात का खुलासा कर समझा रही है बारीकियों से कि इस मनीष सिसोदिया को कैसे फंसाया गया, कैसे साजिशें बनाई गई हैं और आज जेल में भी उनको परेशान किया जा रहा है। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि मनीष सिसोदिया के साथ दरअसल जेल के अंदर हो क्या क्या रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मोदी जी की प्रताड़ना, उनकी कार्रवाई, उनका उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत किया, जिस व्यक्ति के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है, आज उस मनीष सिसोदिया को सीबीआई में मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि सारे आरोप एक पन्ने पर लिख कर दे दे रहा हूं, इस पे साइन कर दो। ये किस प्रकार का शासन आप चलाना चाहते हैं? ये किस प्रकार से आप जांच करना चाहते हैं? ये क्या तरीका है आपका कि जबरन आप किसी से अपराध कबुलवाने के लिए, अपराध कबूल कराने के लिए उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे? और ये बात न्यायालय के सामने कल मनीष सिसोदिया जी के वकील ने और मनीष सिसोदिया जी ने न्यायालय को बताया। मैं समझता हूं निश्चित रूप से न्यायाधीश महोदय इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखिए, पहली चार्जशीट सीबीआई दाखिल करती है, जब चार्जशीट दाखिल होती है तो कई गवाहों के बयान लेती है, चार्जशीट दाखिल करती है तो कई साक्ष्यों और तथ्यों को आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन उस चार्जशीट में किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से भी साजिश करता है या उन्होंने कहीं कोई पैसे की लेन देन की है या कहीं उन्होंने कोई रिश्वत खाई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई सीबीआई की, उसमें भी कहीं किसी ने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया। तो न पहली चार्जशीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया, न दूसरी चार्जशीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने हड़काया, डांटा, बिगड़ा, बोले हमारा मकसद ही फेल हो जाएगा, जिन लोगों पे कार्रवाई करना है उन पे कर ही नहीं रहे, बनाओ फर्जी मामले, बनाओ फर्जी मुकदमे, करो मानसिक उत्पीड़न, किसी भी तरीके से अपराध सिद्ध करो, और तब बिना साक्ष्य, बिना आधार, बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। कोई कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता है 20,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता 1,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे तोते ने 14 घंटे छापेमारी की, सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। दफ्तर में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक किया, वहां भी कुछ नहीं निकला। अरे बेईमानो, तुम्हारे लोगों पर बीजेपी के एमएलए के बेटे के यहां 6 करोड़ रुपए तो कैश रिश्वत,
बरामद हुई, कैमरे पर बरामद हुई। क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कहां है तुम्हारी सीबीआई ईडी? कहां है तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो भ्रष्टाचारी तुमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार पर कहते थे सिंचाई घोटाला है, येदुरप्पा पर माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह पर, नारायण राणे पर सीबीआई की जांच चल रही थी, जो बीजेपी में शामिल हो गया वो राजा हरिश्चंद्र हो गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से बिना सबूत, बिना साक्ष्य के एक लोकप्रिय नेता, एक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम किया, उनको जबरन नरेंद्र मोदी जी अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समय आने पर इस देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी। आपके कोई प्रश्न? भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और किसकी सह पे हो रहा है? आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, पहली चार सीट में नाम नहीं, दूसरी चार सीट में नाम नहीं, जिसके घर पे छापेमारी हो गई, गांव में छापेमारी हो गई, बैंक में छापेमारी हो गई, दफ्तर में छापेमारी हो गई, कुछ नहीं मिला, तो अब आप उसका मानसिक उत्पीड़न करके कह रहे हैं कि अपराधी बन जाओ, अपराधी बन जाओ? ये किसके कहने पे किया जा रहा है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई उनकी एजेंसी है, उनके अधीन आती है। ये मेरा सीधा आरोप है। ये कांग्रेस वालों से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? जो चिट्ठी है उसके बारे में जरूर बता देता हूं। पिछले 8 वर्षों में ईडी ने 3000 छापेमारी की, लगभग 95% छापेमारी विपक्ष के नेताओं पे किए गए, और कन्विक्शन रेट जो ईडी का है वो मात्र 0.5%, 0.5%, यानी कि 3000 लोगों पे छापेमारी हुई, 0.5% लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ, बाकी आरोप झूठे थे। तो सीबीआई का, ईडी का मिसयूज हो रहा है, ये तो खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति पे सीबीआई की जांच चल रही होती है, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वाशिंग पाउडर निर्मा से उसको धुल के बाहर कर दिया जाता है, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप उठा के देख लीजिए ना, सारे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने इतने नाम तो लिए यहां आपके सामने, जो जो बीजेपी में गया सारी जांच बंद हो गई। आपने ये वीडियो देखा और देखकर समझ गए होंगे, साफ शब्दों में संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली की तरक्की को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, और जानबूझकर वो मतलब कुछ भी उगले इसके लिए उन्हें थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का ये आरोप, और संजय सिंह ने इसको लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा, मोदी सरकार पर हमलावर हुआ। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 मार्च को इसमें बेल पर सुनवाई होने वाली, कि वो जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली में जो हंगामा मचा है वो बेहद ही खौफनाक है, वो इसलिए क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने अब सिसोदिया को बचाना शुरू कर दिया। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।